बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? यकीनन आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं थैंक्स बोलती हूँ लोगों का जो लाइक भी करते हैं और कमेंट भी करते हैं। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वेरी इजी, वेरी सिंपल एंड वेरी टेस्टी। हम दो किस्म की आज रेसिपी बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं फालसे का मुरब्बा और चेरी का मुरब्बा। जी, फालसे का मुरब्बा और चेरी का मुरब्बा बनाएंगे बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ। इसके लिए मैंने ले ली है चेरी और फालसा ले लिया है और साथ में चीनी ले ली है। अब मैं क्या करूँगी, फालसे को अलग से थोड़े से पानी में, इसको 10 मिनट के लिए पानी में बॉयल करूँगी ताकि ये टेंडर हो जाए, नरम हो जाए। इसी तरह चेरीज़ को भी मैं थोड़े से पानी के साथ बॉईल कर लूँगी ताकि ये नरम हो जाए। तो बाकी के प्रोसीजर आपको फिर मैं बाद में बताऊँगी। अच्छा, देखिए मैंने ये जो थे फालसे और चेरी को थोड़े से पानी के साथ बॉईल किया। ये देखिए फालसे जो थे वो वाले आपने लेने हैं जो थोड़े से कच्चे हों और थोड़े से पक्के हों, यानी हार्ड वाली उनकी शेप जो है वो अच्छी सी हो, क्योंकि जो बहुत गल जाते हैं, ज़्यादा पक जाते हैं, उनकी शेप जो होती है वो डी शेप हो चुके होते हैं। लेकिन ये मैंने लिए थे थोड़े से कच्चे और थोड़े से पक्के वाले फालसे और देखिए इनकी शेप्स बिल्कुल सही है। और इसमें ये देखिए इतना सा पानी है और कलर भी डिफरेंट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसी पानी में मैं डालूँगी चीनी। चीनी आप डालेंगे, अगर आपके पास 1 कप है फालसे तो उसका हाफ आपने चीनी डालनी है। अब मैं जनाब जो इसका जूस था उसी में ही ये चीनी डालती हूँ और मैं इसको पका लेती हूँ। अच्छा सा शीरा बन जाएगा और इसको 10 मिनट्स के लिए मैंने बॉईल करना है कि शीरा भी हमारा गाढ़ा हो जाए और जो खटास थी वो मीठे खटे मीठे से आपके पास जो मुरब्बा है इसका वो तैयार हो जाए। यही मैं काम करूँगी चेरी के साथ। इसमें मैं डालूँगी चीनी, अच्छा सा शीरा इसमें बनेगा और शीरे में पानी डालेंगे ताकि गाढ़ा होने में ही ये सोक कर लें मिठास को भी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको करती हूँ बॉइल विद शुगर। देखिए जो हमारे फालसे थे वो चीनी के साथ शीरा इसका अच्छा सा बन रहा है और इसको मैं अच्छा गाढ़ा सा इसका शीरा बना लेती हूँ ताकि ये हमारे जो मुरब्बा है तैयार हो। आज की जो हमारी दूसरी रेसिपी है वो है चेरी मुरब्बा। इसके लिए मैंने चेरीज को बॉईल कर लिया था, ये आप ले लें और साथ में डालेंगे शुगर। आपके पास अगर हाफ लेना है, आपने जितनी आपके पास चेरीज होंगे उसका हाफ आपने लेना है शुगर। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि हमें चाहिए होगा गाढ़ा सा शीरा। इसके लिए अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसको ड्राई करने में। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका अच्छा सा गाढ़ा सा शीरा बना लेती हूँ और इसमें ये 5 से 10 मिनट तक उस शीरे में ये बॉयल होगा, साथ साथ जो शीरा होगा वो भी गाढ़ा होता रहेगा और साथ में ये भी इसमें भी अच्छी तरह से चीनी जो है अंदर तक जाएगी और बहुत ही अच्छा सा मुरब्बा ये तैयार होगा। चलें जी तैयार कर। देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है, आपने भी डालना है और मैं अब ये चेरी का मुरब्बा तैयार करने लगी हूँ। देखिए जी हमारे 2 किस्म के जो मुरब्बे हैं वो बिल्कुल तैयार हैं और बहुत ही मज़े के हैं, ये टेस्टी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें।